नमस्कार मणिभोज को स्वागत हूँ बेस्मी प्रथम देखा हेडलाइंस डराउछि कोरोनार नुआ स्ट्रेन महाराष्ट्र केरल और तेलंगाना आक्रांत चिन्हट सेपटे मार्च एक रु षाठी वर्ष रु अधिक लोक टीका घर हस्पिटाल टीका ने देवा पड़े टंका कुजंग उल्लास जेना मर्डर केस रे परिवार लोकों सांघातिक अभियोग अभियुक्त को सुरक्षा देउछन्ति दामो राउत और बीजेडी विधायक संबित राउतराय शासक दल एजेंट साजिछि क्राइमब्रांच महंगा मर्डर मिस्ट्री एबे भी उठुनी परदा आडिशनाल एसपी कहते षड्यंत्रकारी खोजुची पुलिस एपटे तदंत परिसर को आसिले नाई मोदाला नंबर 13 मंत्री प्रताप जेना दि जा गणतांत्रिक प्रक्रिया रे प्रतिवाद कौन अपराध बस अटकई कटकू पिहुमा को उठाई नेला पुलिस छोट पुओ को धरी घंटा घंटा थाना बसिले मनालसा क्राइमब्रांच एडीसी प्रतिश्रुति तीन दिन भितर नुआ टीम कर तदंत थमुनी कालिया कंट्रोवर्सी हिताधिकारी अयोग्य तालिकार तथ्य रोनी तालमेल कृषि विभाग सचिव मंत्री और निर्देशकों तथ्य भिन्न भिन्न संख्या को नहीं सरकार को घेरला विरोधी एवं आज कोविड कटकणा भितर जोरुंदा मेला दोली अपेरा समेत सांस्कृतिक कार्यक्रम को बारण मास्क पिंधा एवं सामाजिक दूरता रक्षा उपर गुरुत्व देखा संपूर्ण खबर कोरोनार न्यू स्ट्रेन चिन्हट हो देश में कोविड को नहीं बढ़ी चिंता निकट में महाराष्ट्र केरल तेलंगाना कोरोनार न्यू स्ट्रेन संक्रमण चिन्हट हो स्वास्थ्य विशेषज्ञ अनुसार यह नुआ स्ट्रेन पूर्व भाइरस अपेक्षा अधिक मारात्मक तेज यार लक्षण पूर्व कोरोना संक्रमण पर होते आहरी अन्य किसी लक्षण देखाई कोरोना न्यू स्ट्रेन बढ़ाऊ चिंता डराइला N44O ओ E484Q महाराष्ट्र केरल तेलंगाना रे न्यू स्ट्रेन चिन्हट पूर्व अपेक्षा वर्तमान रो न्यू स्ट्रेन अधिक मारात्मक संक्रमण को रोकी पारिबो कि वैक्सीन नुआ कोरोना स्ट्रेन संक्रमण चिन्हट हेबार गोटे दिन परे केंद्र सरकार भारत रे व्यापीबा को आरंभ करूथिबा दुईटी न्यू स्ट्रेन रो संक्रमण को नै चिंता व्यक्त करिसंती भारतर प्रमुख स्वास्थ्य विशेषज्ञ एही भारियंट N44K एंड E484Q अत्यंत संक्रामक बोली कहिचंती नीति आयोगर सदस्य वीके पाउल अनुसार बहुत प्रकार विदेशी SARS-CoV-2 रो विभिन्न प्रकार भेदर कोरोना स्ट्रेन आसिबारे लागिछि भारत रे वर्तमान केरल तमिलनाडु और महाराष्ट्र रे एही कोरोना भाइरस रो न्यू स्ट्रेन संक्रमण बढ़िछि किछि दिन पूर्वरु ब्रिटेन रे देखा देइतिबा कोरोना न्यू स्ट्रेन भाइरस आसिबा परे एहाकु नै चिंता देखा देइतिला ब्रिटेन भाइरस सहित वर्तमान देखा देइतिबा वेरी न्यू स्ट्रेन केते अलगा बा केते अधिक संक्रामक एहा ए पर्यंत ठीक रूपे जणा पड़ी नै तथापि स्वास्थ्य विशेषज्ञ ओ एही नुआ स्ट्रेन पूर्व कोरोना भूताणु अपेक्षा अधिक मारात्मक बोली मत देइछंती जो इंडिया रे कर्नाटक सॉरी महाराष्ट्र एवं तेलंगाना जो दुटा स्ट्रेन बाहर छि सेटा होची N440K आ E448K ए दुटा स्ट्रेन मध्य देखा जाय छि जे तर स्पाइक प्रोटीन रे तर जेनेटिक म्यूटेशन करिसंती यूजुअली जेतेले गुडे वायरस टा म्यूटेशन करबा तर जेनेटिक रे चेंजेस हुए जेनेटिक ड्रिफ्ट हो बा जेनेटिक शिफ्ट सेतेबेले तार आइदर ट्रांसमिटिबिलिटी बा संक्रमण रेटटा बढ़ी जाए किंबा तार फैटालिटी बा तार सिवियरिटीटा बढ़ी जाए केरल महाराष्ट्र रे नुआ स्ट्रेन रो संक्रमितक संख्या बढ़िबारे लागिछि न्यू स्ट्रेन रे संक्रमितक चिन्हट करबा वर्तमान पाई संभव नुहे बोली स्वास्थ्य विशेषज्ञ माने सूचना दैछंती कारण एई संक्रमण रे पुरुना संक्रमण रो समस्त लक्षण देखिबाकु मिलिछि किंतु ता सहित अन्य किछि नूतन लक्षण मध्य देखा दैछि जहाकु नै एबे गवेषणा आरंभ होइछि ताजियस बेसी ट्रांसमिशन ता बेसी होउछि आ द्वितीय वाला माइलजिया मसल उडा को डैमेज करूछि से बेसी मसल पेन होउछि जहा सुना जाउछि आ जो जो लोकोडा बेसी सिवियर मसल पेन होउछि से जो माने फीवर रहिबा कथा जो माने स्निचिंग हो कि नाकर पानी बहिबा हो कि बा ए मुंडा बथेबा हो कि बाकी सबु जिनिस ओडा को स्मेल पळेबा ए सबु सिम्पटम अछि ता सागरे
ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ମସଲ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରୁଛି, ମସଲ ମାଇଲଜିଆ, ମସଲ ପେନ୍ ହେଉଛି ବୋଲିକିରି, ଆଉ ଯୋଉ ଲୋକର କିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇନଫ୍ଲାମେସନ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି ସେଇଟା ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଆମର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ଯୋଉ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ତିନୋଟି ଅଛି ସେଇଠିକି ମାନିକିରି କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳିବାକୁ ପଡିବ। ନୀତି ଆୟୋଗ ତରଫରୁ ଏହା ସାର୍ସ କୋଭ୍ ଟୁର ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ, ଯାହାକି ବ୍ରିଟେନ ଓ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟର ସବ୍ ଟାଇପ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କେରଳ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ପରେ ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ କମ୍ ହେବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ସାଧାରଣ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା, ମାତ୍ର ଏପରି ସମୟରେ ଦେଶରେ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଦେଶରେ ଟିକାକରଣ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଉପରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ସୁରକ୍ଷା ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସମ୍ପର୍କୀୟ ନୀତି ନିୟମ ମାନିବା ଉପରେ ଜୋର ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମାର୍ଚ୍ଚ 1ରୁ ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ କରୋନା ଟିକା, ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଜାଭେଡକର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କରୋନା ଟିକା ଦିଆଯିବ। ଏହାସହ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ 45 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କଙ୍କୁ ବି ଟିକାକରଣ କରାଯିବ। 10,000 ସରକାରୀ ଏବଂ 20,000 ଘରୋଇ କେନ୍ଦ୍ର ଟିକାକରଣ କରାଯିବ। ସରକାରୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଟିକା ମାଗଣାରେ ମିଳିବ, ତେବେ ଘରୋଇ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। 1 मार्च से यानी अगले सप्ताह से, सोमवार से 60 से ज्यादा उम्र जिनकी है और ऐसी संख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा है, ऐसे सभी लोगों को और 45 से ज्यादा उम्र जिनकी है लेकिन जिनको कोमॉर्बिडिटी है, कोई ना कोई दूसरी बीमारी है, ऐसे 45 से ज़्यादा उम्र वाले लोगों को भी 1 मार्च से टीकाकरण किया जाएगा। 10,000 सरकारी केंद्रों पर और लगभग 20,000 से भी ज़्यादा प्राइवेट केंद्रों पर, हॉस्पिटल्स में ये टीकाकरण होगा। और उसमें सबसे बड़ा फैसला ये है कि जो 10,000 सरकारी केंद्रों पर जाकर टीका लगवाएंगे, कोई भी हो, उसको मुफ्त टीका लगेगा। सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त लगेगा, सरकारी केंद्रों पर, और प्राइवेट में जो लेंगे उनको अर्थात उसका शुल्क देना पड़ेगा। और वो शुल्क कितना होगा, कितनी फीस होगी, तो स्वास्थ्य विभाग 2-3 दिन में उसके बारे में घोषणा करेगा। स्वास्थ्यकर्मी और सम्मुख योद्धांक टीकाकरण परे एबे वयस्कमानंको टीका मार्च पहिलारु वयस्कंको टीका देबाकु केन्द्र सरकार निष्पत्ति नेबा परे राज्य सरकार एथिपई अंटा भिडिछन्ते। एने बुधवार समस्त जिलापाल एवं महानगर निगम कमिश्नर मानंको चिठी लेखिछन्ते स्वास्थ्य विभागर अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव प्रदीप कुमार महापात्र। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଚିଠି ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ବୟସ୍କ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ଟିକା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବାକୁ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ଯାହା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସପ୍ତାହରେ 5 ଦିନ ଟିକାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ସପ୍ତାହରେ 5 ଦିନ ଟିକାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ପରେ ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର, ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆଦିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଫେବୃଆରୀ 28 ସୁଦ୍ଧା ଟିକାକରଣ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳାରୁ ରୋଗୀ ମୃତ, ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ। ମେଡିକାଲରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଡାକ୍ତର, ଷ୍ଟାଫ୍, ନର୍ସ ନଥିବାରୁ ଜରୁରୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ରୋଗୀଙ୍କର ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ। ମୃତକ ବିଜୁ ନାୟକ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ
देखुवा बेले हठात छाती में जंत्रणा होवर चित्रकोंडा उपखंड चिकित्सालय अणा जाय मेडिका केवल आटेडाट छड़ा कहीं डाक्तर भी स्टाफ नर्स भी कहीं नथिले तेबे दीर्घ समय धरी डाक्तर न आसवर जंत्रणा बढ़िवर युवकंकर मृत्यु होता घटना को नहीं उत्तेजना प्रकाश पाई चित्रकोंडा मेडिका घेराव करते मृतकों संपर्क पर पुलिस पहुंची बुझासुझा कर उत्तेजना थमी आसवा परवर्त खबर को लास्ट जना मर्डर केस्रे सांघातिक अभोग अभुक्त को सुरक्षा देखते दाम राउत और पुअ समेत एभली संगीन अभोग आलास कमा एपरिक थाना मिलूनी न्याय पुलिस साजिश शासक दल एजेंट क्राइमब्रांच भी मामलें चुप बसुचे पारादीप विधायक संबित को उल्लास कमा सबु कथा जनावर भिड एवं भाइराल हो दाम राउत भी जानते दाम राउत पुओ संबित राउत सी भी हि केस्रे संपृक्त अच्छा आम कथ कि भी बुझुना आपण मैंने टे बुझु आम कथ बाप पुओ चाप पकाई चापी देले उल्लास जेना मर्डर केस रे सांघातिक अभियोग दामो राउत व संबित अभियुक्त को देउछंती सुरक्षा उल्लास का माँ व भाई बे जेल रे थाना रे मिलुनी न्याय शासक दल एजेंट साजिछि पुलिस थाना रे मिलिलानी न्याय क्राइम ब्रांच पिछु निराश होई न्याय पाई विधानसभा आकरे आत्महुति उद्यम करे गिरफ हेले उल्लास को मां को भाई आउ एपे जेल रे 5 नवंबर 2016 पंक पाळर विदेशी मद दुकान रे निया लगाई देले दुर्बृत्त आउ जळी पड़ी मृत्यु हेला उल्लास चनंत नजर पकांतु सही समय सीसीटीवी फुटेज उपरे विलंबित राति रे जणे संदेहजनक भावे एक जार नै जाउछन्ते एहा सह घटनास्थल रे आउ जणे युवकंकु मात्र देखिवा को मिलिछ आउ बीजेडी रैली रे शामिल एई माने उल्लास को हत्या करितिबा अभिजोग आनिछन्ते परिवार लोके अभियुक्तंकु पूर्वतन मंत्री तथा सेते बेलर पावरफुल बीजेडी नेता दाम राउत सुरक्षा देले आउ एबे तांको पुओ पारादीप विधायक संबित राउत रे घंट घोड़ा अभियोग कर लोके एमती पारादीप विधायकों उल्लास सब कथ जनावर भिड भाइराल क्राइम ब्रांच को दाम बाबू दाबी की रखी पैसा सारागंध बाहन प्रति थर टीवी ओडिशा रे क्राइम ब्रांच हूँ नेता मंत्री हाथ में सत सत दाम बाबू आपको दाबी की रखी दाम बाबू क्राइम ब्रांच हाथ क्राइम ब्रांच दरकार नहीं सीबीआई दरकार पुलिस कहीं शुणुनी सेटा भी आम जापार पुलिस जेहेतु दाम राउत को कथ अनुसार से कम कर तेणुक से आम कथ शुणवार नाराज डायरेक्ट मना कर दाम राउत प्रेसर पकाऊ आम शुणीपरू ना तुम कथ कि कौन कथ अच्छी अन्याय जहाँ बीजेडी एने शासन अच्छा बीजेडी लोक सुरक्षा दौंस आमको टोटाली सुरक्षा दौना तेणुक आम भी अनुरोध न्याय दरकार न्याय दिंतु आम स्वामी शाशु देड़ूसुर को निहती खलास कर स्थानीय पुलिस तदंत नक अभियुक्त को घंट घोड़ाइले मामला गला क्राइम ब्रांच हाथ को हेले क्राइम ब्रांच भी चुप बारंबार क्राइम ब्रांच ऑफिसर मानंकु भेटि निराश हेले उल्लास पर बड़ प्रश्न कहीं अभियुक्त को धरूना क्राइम ब्रांच अपराधी खुलम खुला बुलुले भी कहीं आक्शन सुन क्राइम ब्रांच एडीजी सोमेंद्र प्रियदर्शी जवाब रखिबे आत्महुति उद्यम कले बोली गिरफ कलो किंतु उल्लास को हत्याकारी कुआडे गले जो परिघटना से सब मंत्री को कथा पानी भी पानी ग्राई को अमगो को जमगो को एने देखो महांगा कैसे
गिरफ कर बाहबा ने पुलिस वर्ष पर भी उल्लास हत्या मामलार अभियुक्त को धरी पारे पुलिस कुजंगुर कैमरा पर्सन टुना मंडल संतोष जेना रिपोर्ट। राज्य में शीत कमे सहित तापमात्रा वृद्धि पावर लगी फलर एवं राज्य में गरम अनुभूत होता देखा मिलला। राज्य में धीरे धीरे तापमात्रा वृद्धि पाता नहीं आंचलिक पापाग विभाग पक्ष आकलन करकूल ओडा तापमात्रा स्वाभाविक रही बेले उत्तर ओडा धीरे धीरे तापमात्रा बढ़ुच्छे से हीपरी आगामी 4-5 दिन जाए पापाग मुख्यतः सुखिला रही पाणीपाग विशेषज्ञ कहते दुई दिन पर्यंत पगरे कौन पर ना बेले तृतीय दिन तापमात्रा रे वृद्धि घटव बोली सूचना मिले। दिव्यांग युवती दुष्कर्म अभियोग एभली लज्जाजनक घटना घटुची कटक जिला बडम्बा थाना गमेई गाँव में घर एकुटिया रही सुजोग नहीं संपर्क मामू जोर जबरदस्त दुष्कर्म कर अभियोग होछि। घटना को नहीं पीड़िता परिवार पक्षरु थाना रे अभियोग परे बडम्बा पुलिस अभियुक्त लोचन बेहरा बड़ंकु अटक रखि तदंत चलायछे। रायगढ़ जिला गुणपुर ब्लॉक कोतागुड़ा गाँ निकट इरेडी घाटी में आंध्र सरकार बेआईन रास्ता निर्माण करुवा प्रसंग विभिन्न गणमाध्यम खबर प्रसारित होगा पर वरिष्ठ बीजेपी नेता डॉक्टर गिरिधर गमा नेतृत्व में बीजेपी एक प्रतिनिधि दल घटनास्थल पहुंची स्थिति अनुधान करने स्थानीय लोकों आलोचना करते अंचल ओडार किंतु गत 6 मास आंध्र सरकार पक्षर ओडिशा भितर प्राय 1.5 किलोमीटर रास्ता निर्माण करा प्रकाश करतीमधे कौन सरकारी अधिकारी हो कि स्थानीय लोके प्रतिनिधि घटनास्थल को नहीं नीरव दृष्टा साजिता जमापड़े चार गला वर्ष मार्च मस बंद करदे एट पर्यंत तापर आम ओडिशा लोक गरीब लोक बेस अच्छा ओडिशा रे जगह तक आंध्रा आसिक कम कर जमी बाड़ आंध्रा फटा कर जगार पार्लियामेंट पास कला एवं राष्ट्रपति जिते अर्डिनेंस देले से आरंभ हो 1952 ठार् कि अंचल से निर्वाचन करोटिया इत्यादि कर डिस्प्यूट है चैलेंज कले कौन कले न कले कि मुझेपरि डिस्प्यूट होचे एटा कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट एटा 50 एरिया बाउंड्री भितर से पशि पारे ना एवं रेवेन्यू हिसाब से डिस्प्यूट अलग हो पारे गंजाम है गंजाम जो बॉर्डर एरिया जी रही रेवेन्यू बाउंड्री महंगा डबल मर्डर घटन एजाई धरा पड़नी षड्यंत्री आउ षड्यंत्री खोजुच पुलिस आउ जी संप्रक्त थी गिरफ करडिशनाल एसपी सेपटे महंगा डबल मर्डर घटन मंत्री प्रताप जेना को गिरफ दावी आसंता कालीठू महांगार पंचायत स्तर आंदोलन कर बीजेपी सेपटे महांगार शांति फेरी पाइबा राज्य मुखिया दृष्टि देवाक आह्वान करछि कांग्रेस अपराधी जो मैंने कॉन्स्पिरेटर अच्छा पुलिस खोजुच शुणिले तो एबे भी महंगा डबल मर्डर घटनार षड्यंत्रकारी खोजुची पुलिस आउ जीए षड्यंत्रकारी धराजीव बोली कहुची पुलिस हेले घटना को आउ केते दिन परे 2 मास छुईबो हेले षड्यंत्रकारी पाखो काही की माड़ी पारुनी पुलिस क्यों अदृश्य चापरे चापी हेउची पुलिस और पुलिस एपरी बयान परे पुणी थरे विवाद को आसी भांगा विधायक तथा मंत्री प्रताप जेना नजर पकातु एही एतला उपरे भांगा बीजेपी नेता कुलमणि बराल और दिव्य सिंह बराल हत्याकांड घटनारे मुदला नंबर 13 रही मंत्री प्रताप जेना हेले जाए तदंत परिसर को मंत्री न आसवा को नहीं विरोधी बारंबार प्रश्न उठाता बेले कौन कहते आडिशनाल एसपी आउ थे शुणु अपराधी जो मैंने कॉन्स्पिरेटर अच्छा पुलिस खोजुची
ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡରର କିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ? ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀଙ୍କୁ ସତରେ କ'ଣ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ? କେବେ ଚେରକୁ ଛୁଇଁବ ମହାଙ୍ଗା ପୋଲିସ? ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସର ଏପରି ବୟାନ ଏବେ ଘଟଣାକୁ ଆହୁରି ବିବାଦୀୟ କରୁଛି। ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଏକ ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏସ୍କର୍ଟ ଦେଉଥିବା କଥା ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ କ'ଣ କହୁଛି ପୋଲିସ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ ଏବଂ ଯେତେ ପ୍ରମାଣରେ ଯିଏ ଦୋଷୀ ପାଇଯିବେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆକ୍ସନ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାର ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଦୁଃଶାସନ ଚେନ୍ନାଇ ୟାର୍ଡର କିଛି ଦୂରରେ ମିଳିଥିଲା ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ମୃତଦେହ। ତେବେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ନା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଏହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟ ମୁଖିଆଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ବିରୋଧୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଚେତାବନୀ ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ 25/2/2021 ଠାରୁ 2/3/2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6 ଦିନ ଧରି ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏକ ସଦ୍ଭାବନା ସଭା କରାଯିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁନର୍ବାର 3 ତାରିଖ ଦିନ ସରିଲା ପରେ 4 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଥାର୍ଡ଼ ଫେଜ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ସୂଚନା ଦେବେ। ଏଇଟା ଆମର ସଦ୍ଭାବନା ଯାତ୍ରାର ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନର ବା ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଲଢ଼େଇର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ମହାଙ୍ଗାରେ ଯଦି ଶାନ୍ତି ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛୁ ମହାଙ୍ଗାରେ ଶାନ୍ତି ହେଉ। ଘରର ମୁରବୀ ଯଦି ନିଜେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେବ ମର୍ଡ଼ରରେ, ତାହେଲେ ଘରେ କେମିତି ଶାନ୍ତି ଫେରିବ? ମହାଙ୍ଗାରେ ନିଜେ ଯଦି ନିଜେ ଯିଏ ଘରର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁରବୀ, ଯିଏ ଯାହାଙ୍କୁ ଲୋକ ଏଠି ବିଧାୟକ କରିଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ଯଦି ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଲେ ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ରହିଲା, ସିଏ ଆରେଷ୍ଟ ହେଲେନି, ପୋଲିସ ଏଠି ନିକଟତମ ହୋଇଯାଇଛି। କେଳେଙ୍କାରୀ ଉପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିବାରୁ କୁଳମଣି ବରାଳ ଓ ଦିବ୍ୟସିଂହ ବରାଳଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲା ବିଜେପି। ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଡିଜି ଅଫିସ ଘେରାଉ ପରେ ମହାଙ୍ଗାରେ 4 ଦିନ ଧରି କରିଥିଲେ ସଦ୍ଭାବନା ପଦଯାତ୍ରା। ହେଲେ ଏତେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ବି ସରକାରଙ୍କ ନିରବତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ମହାଙ୍ଗାରୁ ଶିବାନୀ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସମସ୍ତ ବୁଲେଟିନ୍ ରଖିବା, ଅଧିକ ପାଇଁ ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ନମସ୍କାର।